तो दोस्तों, कार्टून हम सभी ने देखा है और शायद हम में से कई लोग अभी भी देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कार्टून सीरीज और उनके मालिकों के बारे में जो अपनी इन कार्टून सीरीज की वजह से देश दुनिया में काफी पॉपुलर है। नंबर वन, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, डोरेमोन एक जापानीज कार्टून सीरीज है, पर ये फिर भी पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा में डब करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस कार्टून सीरीज में डोरेमोन और नोबिता की कहानी और उनके अजीबोगरीब एडवेंचर काफ़ी रोमांचक होती है, जिस वजह से ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफ़ी पसंद आती है। तो दोस्तों, बेसिकली ये कार्टून सीरीज एक जापानीज कॉमिक सीरीज पर आधारित है, जिसे हिरोशी फिजोमोटो और मोटो एबिको ने लिखा और बनाया है। नंबर टू, दोस्तों छोटा भीम कार्टून सीरीज ये एक इंडियन एनिमेटेड कार्टून सीरीज है, जो एक भारत का लड़का राजीव सिलिका के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों चलो जानते हैं इन सभी की शुरुआत कैसे हुई थी। जनवरी 2001, ये वो दिन था जब राजीव ने हैदराबाद जाके अपनी एक प्राइवेट एनिमेशन की कंपनी खोली, जिसको इसने नाम दिया ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी थी जो सिर्फ एनिमेशन के ऊपर काम करती थी। काफ़ी समय तक कामयाबी ना मिलने के बाद वो दिन आया, साल 2008, जब छोटा भीम को पहली बार पोगो टीवी पे दिखाया गया और बहुत जल्द छोटा भीम बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया।